हेलो एंड यू वाचिंग क्लैब ट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको वो ढेर सारे सोफ़ा यूनिट्स दिखाएंगे और हर कैटेगरी का, कार्विंग हो या स्ट्रेट लाइंस, 100% अपहोल्स्ट्री, सारे मिक्स एंड मैच करके आपको क्विकली काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सोफ़ाज दिखाएंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। ठीक है, इंट्रोडक्शन दूंगा तो लोग कहेंगे बहुत बोलता है। ओके, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते, अभी सीधे पॉइंट पे आते हैं। गावा ब्रदर्स इज ऑलरेडी नोन, सब जानते हैं आपको अच्छी तरह, और आई थिंक सबसे ज़्यादा व्यूड स्टोर्स में से आप हैं, है ना? बिल्कुल, है ना? आई गेस 50-60-70 लाख व्यूज होंगे। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आपको प्यार भी बहुत मिला। बिल्कुल सर। लेकिन वो व्यूअर्स जो अभी रिसेंटली जुड़ गए हमारे साथ में, उनके लिए हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा वहीं से पूछेंगे कि आपके स्टोर का नाम क्या है और क्या क्या चीज़ों की आप मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। ओमेज फर्नीचर, वी आर लोकेटेड इन कीर्ति नगर। ओके, और अपना हम सोफ़ा, बेड और डाइनिंग में डील करते हैं। ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो है, हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपके होमेज फर्नीचर पे जो आपके स्टोर की स्पेशलाइजेशन है वो है कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर, अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, है ना? बिल्कुल। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपका खुद का है और मार्जिन्स जो है वो आपके थोड़े कम रहते हैं, है ना? अब की बार हम जो ये वीडियो बना रहे हैं जी, वो कीर्ति नगर में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं हम। अच्छा, एक्चुअल का डिस्काउंट, जो बिल्कुल एक्चुअल डिस्काउंट होता है, लेकिन आप ही बढ़ा के नहीं, एक्चुअल का डिस्काउंट है। ठीक है, लेकिन आप तो ऑलरेडी काफी लो मार्जिन पे काम कर रहे थे। अब की बार जो यहाँ से आज से लेकर दिवाली तक का जो डिस्काउंट है हमारा, बहुत हैवी डिस्काउंट चलेगा। अच्छा, ठीक है। एंड कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है किसी तरह का क्वालिटी में, ऐसा कुछ? रेट तो सबसे बड़ी चीज होती है सर, एक MRP बढ़ाओ, उसके बाद डिस्काउंट करो जी। हमारे पहले भी वीडियो डले हुए हैं, उसके बावजूद हमने उसके अंदर और डिस्काउंट किया है रेट बढ़ने के बाद। मार्केट में एक्चुअली क्विकली पॉइंटर्स के हिसाब से हम लोग करेंगे। एक तो मार्केट में हर चीज का प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ रहा है, फोम भी महंगी हुई है, वुड भी महंगी हुई है, पिछले कुछ दिनों महंगी हो चुकी है, हार्डवेयर महंगा हो चुका है, बहुत चीज़ें फैब्रिक महंगे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, मैन पावर भी बढ़ चुका है ना, मैन पावर भी एक्सपेंसिव हो चुका है अभी। बिल्कुल सर। ठीक है, ये चीज़ें हम पिछले वीडियोस में भी कवर करते आए थे, उसके बावजूद भी, लो मार्जिन के बावजूद भी आप जो है, आप क्योंकि वॉल्यूम बिजनेस में डील करना चाहते हैं इसके लिए। बिल्कुल सर। ठीक है, जो भी प्राइस हम बताएंगे आज, क्योंकि इस वीडियो में हम सोफ़ास कवर कर रहे हैं, तो जितने प्राइस होंगे वो फिक्स प्राइस हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं, राइट? ये पॉइंट नोट किया जाए सर, रेट फिक्स है हमारा। रेट फिक्स्ड है आपके, प्लीज़ डू नॉट नेगोशिएट बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है। और जो भी ऑर्डर्स में कस्टमाइजेशन होगा वो सब कॉस्ट को वेरी कर सकता है ना। बिल्कुल। मोस्टली आप कस्टमाइजेशन कम करते हैं वैसे, कलर मतलब डिज़ाइन हमारे अपने बहुत सारे हैं, उन डिज़ाइंस को कस्टमाइज करते हैं। तो आज वीडियो में हम सोफ़ाज देखेंगे, चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। ओके, सो गाबा जी स्टार्ट करें, जो राइट। बिल्कुल सर। ठीक है, आज का पूरा वीडियो उन लोगों के लिए जिनके बजट्स थोड़े से कम होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्वालिटी उनको वो मिल जाती है जो मेन रूम शोरूम के फर्नीचर में मिल जाती है, है ना? तो पॉकेट फ्रेंडली रहेगा आज बहुत। दूसरा, लग्जरी और बहुत अच्छे डिज़ाइन। हाँ, और बहुत रिजनेबल पैसे में। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लोकल। तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। स्टार्ट करने से पहले बता दें, आज का वीडियो धमाल है, स्पेशली फॉर द पीपल जिनके पास, जो शोरूम से मैं विजिट करते रहे और उनको लगता था फर्नीचर बहुत महंगा है, है ना? आपने वो सारा का सारा बहुत अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव दामों में अरेंज करा दिया है। बिल्कुल सर। आज बहुत सारे यूनिट्स देखेंगे वन आफ्टर अनदर, कुछ हमारे फेवरेट होंगे, कुछ आपके फेवरेट होंगे, और कुछ फेवरेट होंगे हमारे व्यूअर्स के, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि उनका फेवरेट कौन सा है और क्यों है, राइट? तो शो स्टॉपर से शुरू करते हैं, पहले हम एक पहले वीडियो पहले यूनिट करेंगे, फिर हमारा शो स्टॉपर करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज़ फॉर स्ट्रेट लाइन पीपल, है ना? बताइए। ये सर वुड के अंदर बना हुआ है, एल कॉर्नर सोफ़ा है जी। इसके नीचे जो बेस है इसका सारा वुड का है। अच्छा। पीक कलर की पॉलिश हुई पड़ी है। हाँ। और स्वेड फैब्रिक लगा हुआ है। अच्छा। और आर्म्स में इसके वुड्स का है, ये फाइबर भी यूज होता है कई बार, ये हमने वुड लगाई हुई है, साथ में चेस्टर फील्ड कलर का है। तो ये तो फ्लेक्सी प्लाई होगा सर? ये नहीं सर, ये वुड है। वुड है ओरिजिनल? बिल्कुल। अच्छा। सर, तो फ्लेक्स इसको बैंड कैसे किया जाता है फिर, ये व्हाट इज द टेक्निक? ये अपना वुड की कटिंग होती है सर। अच्छा, ऐसे कट करके लगाते हैं जी। उसके ऊपर हाई ग्लॉस पॉलिश है, पॉलिश। बिल्कुल सर। ओके, और सेकंड इसके अंदर डबल हेडरेस्ट है, डबल वाला। अच्छा, पहले सिंगल हुआ करता था? बिल्कुल सर। एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए? बिल्कुल सर। ठीक है, जितने भी सोफ़ाज हम अब देखने वाले हैं यहाँ पे, क्विकली हम बहुत सारे यूनिट्स कवर करेंगे, सबके स्ट्रक्चर्स को मैरेंडी में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिज़ाइन, उस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाएगा, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वैसे उसमें लकड़ी लगेगी। बिल्कुल सर। एक बार बताऊँ क्विकली,
ये ना काफी दिन से लोग कह रहे थे एक डेढ़ दो ढाई दो तीन सारा मिक्स लगता है सर, पूरा दो डेढ़ में नहीं बनता, डेढ़ एक में पूरा नहीं बनता, तीन एक में नहीं बनता, तो वो सारी जहाँ पे दो डेढ़ की जरूरत है वहाँ दो डेढ़ लगेगा, तीन इंच की जरूरत है तीन लगेगा सर, उसको आप दो नहीं लगा सकते, तो वो मिक्स लगकर लगती है। अभी हमने रिसेंटली एक फैक्ट्री विजिट किया था जिसमें हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल प्रॉपर मेकिंग था वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे, वहाँ पे हमने यही सीखा कि आपके फ्रेम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हर तरह के साइज यूज किए जाते हैं मरंडी के भी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर जगह मोटा लकड़ी है तो वो अच्छा है या पतला है, जरूरत के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है। खैर कमिंग बैक टू द फैब्रिक पार्ट, ये क्या प्राइस का है फैब्रिक जो है? ये 250 की रेंज है सर का प्राइस के, जो हम रोल क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें 250 मिलता है, इसकी मार्केट वैल्यू 250 नहीं है सर। अच्छा, उसकी ज्यादा है, मगर हम जो उसको लेस कम ज्यादा जो करेंगे हम 250 के हिसाब से, क्योंकि आप बल्क में खरीदते हैं उनसे रेगुलर बायर होने की वजह से। वैसे स्वेड है ये, टेक्सचर्ड स्वेड, बिल्कुल सर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लोगों ने पिछले दिनों कहना शुरू किया था कि आपने क्रिएटिव इनपुट देने कम कर दिए, तो क्विकली एक एक इनपुट हर बार मैं एक सोफा के एंड में दूंगा। ये एल कॉर्नर है, अगर आप हो सके तो इसको यूज करें क्योंकि टेक्सचर्ड है ये, तो प्लेन वॉल रखें, इसके पीछे आप किसी तरह का वॉलपेपर वगैरह या किसी तरह की आपको डिजाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में खुद एक डिजाइन क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। क्या प्राइस है इसका सर? सर हमारा सबसे बड़ा अभी है कि हमारा डिस्काउंट जिसको हम कैशबैक कहते थे, डिस्काउंट चल रहा है 90% सामान के अंदर फिलहाल, आज से लेकर दिवाली तक 90% सामान के अंदर डिस्काउंट है। ओके, कुछ सामान छोड़ के मैं क्लियर बताऊंगा, 100% पे नहीं, बहुत सारी 90% आइटम्स पे डिस्काउंट है। एंड दिस इज वैलिड टिल दिवाली, 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का बहुत बड़ा डिस्काउंट। ठीक है, डन। इसका एमआरपी बताएं और डिस्काउंट। 46,800 रुपए कैश बैक या डिस्काउंट जिसको बोलेंगे, 6,000 रुपए नेट प्राइस, 40,800, सिर्फ 40,800। ठीक है, इवन कस्टमाइजेशन कराएंगे तब भी 40,800 हो जाएगा? वो सर डिपेंड करता है, आप फैब्रिक का बहुत हैवी लगवा रहे हैं, डिफरेंस है या क्या चीज़ है, वो साइज बड़ा है तो उसके पैसे अलग लगेंगे। ठीक है, डन। नेट प्राइस इज 40,800 सर। ठीक है, गोइंग टू द शो स्टॉपर नाउ, एक मेरा फेवरेट सोफा है आपके पास, बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा, क्वालिटी आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, तो एवरीथिंग इज इन प्लेस है ना, बिल्कुल, बहुत सीमलेस जॉइंट है उसके, बहुत अच्छा ये सोफा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी स्पेसिफिकेशन बताएं कि वुड क्या है इसमें? ये सर कार्विंग के अंदर सोफा है, बहुत लाइट कार्विंग है जी, और फाइबर के अंदर है, सेकंड चीज टीक वुड नहीं है। ठीक है, जितने भी कार्विंग है ये सारी कार्विंग टच सोफा, मतलब पहले क्राउन बनते थे इसमें छोटे छोटे साइड में ये हो गए। क्यों ना हम ये वाला पार्ट दिखा दें क्योंकि वो उसमें मर्ज हो रहा है। ये देखिए, जनरली क्या होता था, सेंटर में क्राउन होते थे, बिल्कुल, तो आपकी यूनिट जो है वो थोड़ी छोटी दिखती है, लेकिन आपके दो क्राउन दिए हुए हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन क्राउन, राउंड आर्म्स में इसमें आर्म रेस्ट हैं जो कि हमेशा होते ही हैं, और नीचे भी थ्रू आउट आप देखें तो स्पेस काफी है और एक डिजाइनिंग एलिमेंट है नीचे, चेस्टर दिया हुआ है पीछे, बिल्कुल सर, चेस्टर बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी, हाँ जी सर जी, सॉरी बताइए। और दूसरा इसके अंदर सर थोड़ा सा ना प्लेन फैब्रिक के अंदर हमने फैब्रिक में ही काम किया हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है सीट के अंदर, प्लस इसमें ये पैच वर्क सिरोस की हो गई सर। ठीक है, मतलब जो इसका सिंपल में थोड़े थोड़े छोटे काम किए हुए हैं। ठीक है, मुझे ये दो तीन वजह से बहुत अच्छा लगा, मैं बता दूं क्विकली? बिल्कुल सर। सर जनरली हम देखते हैं ना जकार्ड का यूज किया था, जकार्ड जो आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन, मे बी दैट्स हाउ इट इज प्रोनाउंस, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड जकार्ड जिससे वो फैब्रिक बनता है, वो थोड़ा रफ होता है। बिल्कुल, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ जकार्ड, मुझे लगता है कि वो थोड़ा रफ होता है वो। बिल्कुल, क्यों आप हंस रहे हैं? थोड़ा रफ होता है ना जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने इसमें स्वेड यूज किया हुआ है जो कि सॉफ्टनेस देता है, सॉफ्ट वेलवेट सर, हम सॉफ्ट वेलवेट कहते हैं इसको जी, तो वो टोटल वो यूज है। एक तो मुझे इसलिए अच्छा लगा, दूसरा आपने इसमें बेज दिया हुआ है, बेज इज माय फेवरेट, मुझे पेस्टल शेड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट कलर्स जो हैं, बोल्ड कलर्स जो हैं वो मुझे थोड़े कम अच्छे लगते हैं। दूसरा आपने इसको एक यूनिफॉर्मिटी रखी है, अदरवाइज लोग क्या करते हैं नीचे टेक्सचर्स प्रिंट लगाते हैं और ऊपर प्लेन करते हैं, तो ये थोड़ा सा सटल हो गया उसकी वजह से, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे नीचे एम्ब्रॉयडरी है जो काफी अच्छा लुक क्रिएट कर रही है यहाँ पे, आई गेस ये हैंड एम्ब्रॉयडरी। सोफे में दो कलर यूज किए हैं सर, ये वाली जो सिमेट्री चल रही है ये वाला कलर सेम है, इसके पैच वर्क का सेम है, एम्ब्रॉयडरी का सेम है, तो ये सारा एक दो कलर का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, सो फाइबर है, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज फाइबर इज एज गुड एज सॉलिड और एज स्ट्रॉन्ग एज वुड, बिल्कुल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इजी टू मेंटेन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट डू नॉट यूज केमिकल्स ऑन दिस, एनी विच वेज केमिकल तो किसी भी मटेरियल पे यूज नहीं करने चाहिए जी, बिल्कुल, वुड के ऊपर भी। अब प्राइस की बारी आएगी क्योंकि बहुत सारी यूनिट हमें भी इसके अंदर, ये सारा वर्क करके इसका काम बनता था सर, ये एम्ब्रॉयडरी पैच सब कुछ करके 65,800। अच्छा, और अब हम कैश बैक और डिस्काउंट दे रहे हैं, 5,000 का डिस्काउंट है सर, नेट प्राइस इज 60,800। ठीक है, डन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। बिल्कुल सर, नेक्स्ट देखते हैं अभी। बिल्कुल सर, ओके बताइए। आजकल ये एक फैब्रिक इन में काफ़ी इन है सर,
जो ये हमने रोज गोल्ड कलर का लगाया हुआ है, ये लगता अपना स्टील है मगर ये फैब्रिक है। अच्छा, मतलब आप काफी वीडियो में देख चुके होंगे जी, जी। ये जो लाइन लगी हुई है ये भी सर फैब्रिक की है सर। ओके, पाइपिंग। दिस रिमाइंड्स मी, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ या फिर बहुत अपने आप की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई लॉकडाउन से पहले हम स्टडी कर रहे थे फॉरेन के फर्नीचर मार्केट की जी। तो ये प्रेडिक्शन था, हमने शायद आपके वीडियो में और कहीं हमने कहा था इस बात को कि फ्यूचर में ये वर्क बहुत पॉपुलर होने वाला है। बिल्कुल, दिस वॉज डिज, है ना, ये काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल, और वही हुआ एक्चुअली। अब देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। बिल्कुल सर, ये ब्लिंग ऐड करता है, बताइए प्लीज़ एल कॉर्नर की पूरे स्पेसिफिकेशन। 9x7 का साइज है सर। 9 कैसे और 7 कैसे? ये सामने वाली वॉल जो होती है वो 9 है सर, राइट साइड जो होगा उसका वो 7 है। ठीक है, और विद सैनिटेबल विद टू पफी एंड रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, रोज गोल्ड लेग्स, रोज गोल्ड की पाइपिंग, रोज गोल्ड के अंदर जो इसकी ये बनी हुई है ये फैब्रिक। अच्छा, तो ये रोज गोल्ड इसके साथ टच किया हुआ है। ठीक है, और ये स्वेड में है टेक्सचर जी? बिल्कुल। ओके, एंड अब हम क्योंकि इसकी प्राइस की बात करेंगे, उससे पहले दिखा दें आपको पूरा। यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ मेटल थ्रू आउट है जो चल रहा है ना, ये अच्छा दिख रहा है। इसके आर्म्स थोड़े से स्लीक हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बीफी नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेक्सचर्ड है। पहले भी बताया था कि जब भी आप टेक्सचर्ड सोफ़ा लेंगे तो टेक्सचर्ड सोफ़ा अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी वॉल जो है वो प्लेन दिखाई दें, तो ये सोफ़ा आपका हाईलाइट होगा और खूबसूरत ज़्यादा दिखाई देगा। अगर आप इसको प्लेन ले रहे हैं तो उसको आप वॉलपेपर लगा लें, अदरवाइज दिस बेज इज़ वेरी नाइस। इसके ऑपोजिट में आप ग्रे कलर भी लगा सकते हैं, इनफैक्ट आप इसके पीछे डार्कर शेड के भी पैनल्स यूज़ कर सकते हैं, मसलन ब्लैक वगैरह। ठीक है, प्राइस इसका 50,800 एंड डिस्काउंट या कैशबैक जो भी बोलते हैं उसको, 6,000 का कैशबैक है, 44,800 नेट प्राइस। और ये वैलिड है दिवाली तक? GST एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा, नेट प्राइस नहीं, GST एंड ट्रांसपोर्टेशन अलग, सिर्फ दिवाली वाले दिन तक। सिर्फ दिवाली तक है? बिल्कुल। ठीक है, हम अगले सोफा, मगर आप हमारा वीडियो लोड कर दो तब सर, दिवाली तक। दिवाली के बाद लोड करोगे तो कैसे होगा? आई एम सो सॉरी, वी विल ट्राई टू डेफिनेटली अपलोड दिस बिफोर दिवाली। बिल्कुल, थोड़ा सा फ्लो ज्यादा रहा वीडियोज का एंड थोड़ा सा हमारा नंबर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा व्यूवर्स आप सुन लो और रिक्वेस्ट कर देना सर को हमारा वीडियो जल्दी डालें। आप वीडियो शूट कराते हैं, हम डालते हैं। एक्चुअली क्या फ्लो बन जाता है सर, अब क्योंकि देखने वालों का परिवार भी बढ़ गया है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स का भी, वालों का भी परिवार भी जी, मतलब मेन बात हमारा नंबर नहीं आएगा। नहीं नहीं, नंबर आएगा डेफिनेटली। सो दिस इज, वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ? बिल्कुल सर। ओके, ये लेकिन आपने अच्छा बताया कि अगर बिफोर दिवाली अपलोड हो जाता है तो बिल्कुल, तभी डिस्काउंट का लोग फायदा ले पाएंगे, ये सब आपके बेनिफिट के लिए। अगर संजीव सर चाहते हैं कि आपको फायदा मिले तो वीडियो अपलोड जल्दी करना पड़ेगा। चलो, वी विल अपलोड दिस एज सून एज पॉसिबल। गोइंग बैक टू दिस वन नाउ, माय फेवरेट, इन्होंने मुझे फंसा दिया, बट मैं आपको नहीं फंसाऊंगा, मैं आपको बहुत अच्छा यूनिट दिखा रहा हूँ। गाबा जी, मैं इसका स्पेसिफिकेशन इफ यू अलाउ मी मैं थोड़ा देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जनरली ऐसा होता रहा है कि कार्विंग फर्नीचर हम दिखाते रहे, फीचर करते रहे। कार्विंग फर्नीचर जब भी आप खरीदें इस तरह का, तो आप अगर ये यूनिट को वुड में बनाने जाएंगे तो ये लैक्स में क्रॉस करता है, क्योंकि इसमें जो लेग्स हैं ना वो थोड़ी थिक हैं। नहीं, उसकी सेकंड पार्ट एक चीज़ हो रहा है सर, एक मिनट अगर मैं बीच में बता दूं, सिर्फ एक मिनट के लिए, क्योंकि वुड से कंसर्न एक ये भी है सर, उसमें जॉइंट बहुत सारे आएंगे जी। इसका बेनिफिट ये है, इसके अंदर जॉइंट लेस है ये सर। जॉइंट तो लेकिन पॉलिश से कवर हो जाते हैं ना, खुलेंगे सर। वेदर, ये चीज़ नोट जरूर करो लॉन्ग टर्म में, है ना, वेदर जो है ना वो गर्मियाँ सर्दियाँ वो जॉइंट पे असर करते हैं। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट बताया गाबा जी ने, बहुत अच्छा है। आई विल रिमेम्बर दिस जब भी हम बात करेंगे कि फाइबर की कार्विंग की, तो इसमें ये प्लस आपने बताया कि आपको कोई भी, ये वेदर रेजिस्टेंट है बेसिकली, है ना, किसी भी वेदर में आप हों, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट आप में आप रह रहे हैं, नॉन एसी, एसी, कैसा भी आपका अपार्टमेंट या घर है, तो ये फाइबर कभी भी, एक तो जॉइंट ही नहीं है सर, जॉइंट लेस है तो इसलिए इसके जॉइंट नहीं खुलते सर। हाँ, इसमें इसका किस तरह का जॉइंट्स लूज नहीं होते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि मोल्डिंग की होने की वजह से इनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, सारे डिज़ाइन एक जैसे बन जाते हैं। रॉयल फर्नीचर कार, इसमें क्राउन सेंटर में है और इसकी हाइट ऊपर है, सिमेट्री अच्छी है, सीमलेस जॉइंट है इसके, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बेज एंड ब्लू इज़ लुकिंग वेरी गुड। और इसके कार्विंग में एक चीज़ बता रहा था मैं आपको कि आपको ये लेवल के थिकनेस के ना, ये देख रहे हैं इतने बड़े लेग्स हैं, ये आपको मिल नहीं पाएंगे अगर आप इनको वुड में बनवाने जाएंगे, तो ये बहुत महंगा होगा ये। बिल्कुल सर, ये दिस विल गो इन लैक्स। ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखे, देखे हैं मगर वो लाखों में होते हैं वो। टॉकिंग अबाउट दिस यूनिट, माय फेवरेट, बेज एंड ब्लू, और बहुत ही बहुत रॉयल है। और फिर क्रिएटिव इनपुट देंगे, पहले प्राइस पूछ लें सर से। अब सबसे बड़ा डिस्काउंट पूरे शोरूम का जो इसके ऊपर है सर। अच्छा जी, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था 2000 से लेकर 10,000 तक का डिस्काउंट जी, तो ये 10,000 का डिस्काउंट इसमें हम दे रहे हैं सर। 84,800 हमारे पिछले वीडियो में भी, आप किसी वीडियो में चेक कर लेना, 84,800 हमारा लास्ट प्राइस था,
10,000 कैशबैक, 74,800 अभी का प्राइस, आज का प्राइस दिवाली तक। लवली, ठीक है। अब क्रिएटिव इनपुट की बारी, ये प्राइस हमको बता दिया गावा जी ने कि जब भी आप इस तरह के रॉयल फर्नीचर लेते हैं तो इनके बारे इनके साथ ना सेंटर टेबल इससे मैचिंग लें। दूसरा, इनके पीछे जो ड्रेप्स एंड कर्टन्स आप लगाते हैं या वॉलपेपर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी रॉयल हो, स्वेड में हो, थिक हो, तो वो अच्छे दिखते हैं। अब ये जो बेस कलर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है बेस, इस कलर के आप अगर आपका घर बड़ा है, क्योंकि ये बड़े घर के लिए ही होते हैं, तो आप ये कलर का और ये कलर के कर्टन भी कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। मसलन 4 कर्टन इसके और एक कर्टन इसमें से कोई एक कलर लेके। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ आपने सर एक और नोट की होगी, अभी तक के जो सीट में उसके होते थे फ्लावर होते थे, जिसकी हाँ। अभी आप बात करें जैकवार्ड, हाँ तो ये ज्योमेट्रिकल लगा हुआ है, ज्योमेट्रिकल प्रिंट है, ये थोड़ा सा इसको कॉन्टेम्प्रेरी भी बनाता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आई लाइक डेट। सारी यूनिट की यूनिफॉर्मिटी ऐसी रहेगी जितने भी आगे मिलेंगे हमें, है ना, ठीक है। और मल्टीपल यूनिट्स है ना इसमें जी? बिल्कुल। अच्छा, और इसका जो क्राउन है ना वो भी बहुत अच्छा है सर, लाइक दिस, राइट? वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। बिल्कुल सर, इसका प्राइस जाने से पहले बता दूं, 74,800 प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्टेशन, 74,800 रुपये में आपको मिलता है। टोटल सीटर इज 322, है ना, ठीक है सर। इसकी सेंटर टेबल आप अरेंज करा देंगे अगर जरूरत? जी बिल्कुल करा देंगे सर। चलिए ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट वन। बिल्कुल, ओके, नेक्स्ट यूनिट करें, स्टार्ट करें। बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब क्या रेंज का हम दिखाएंगे? पहले क्या दिखाएंगे? रेंज दिखाएंगे, पहले सोफा दिखाएंगे सर। चलिए पहले सोफा दिखा दें, ओके, ठीक है। इस बार हम देख रहे हैं, हर बार एक नया कलर आपके पास ज़्यादा होता है प्रोमिनेंटली, टेक्सचर ज़्यादा है इस बार। बिल्कुल, है ना, मगर ऐसा फिर भी हमने अलग अलग कलर किया, आपकी बार कोई कलर थीम नहीं है। अच्छा, हर बार की तरह नहीं तो एक ही कलर के हमारे बहुत सारे होते थे, आपकी बार नहीं। ठीक बात है, ओके। तो ये बताएं इसका एल कॉर्नर है, एल कॉर्नर 9x7 विथ 3x3 सेंडेबल विथ 2 पफी, एंड जो नीचे का बेस है इसकी चौकी या घोड़ी जो भी बोलते हैं इसको सर, चौकी, हाँ जी, ये टीक वुड के अंदर है। आर्म्स के अंदर इसका थोड़ा सा काम टीक वुड के अंदर है, दोनों साइड पे आर्म्स हैं इसके, और काफ़ी हैवी कुशनिंग है आर्म्स पे भी और यहाँ पे भी, आर्म रेस्ट बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है। और वही स्वेड टेक्चर के अंदर कुछ आजकल नए आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, डिस्काउंट 4,000 का डिस्काउंट है, 42,800 इसका प्राइस था एंड अब नेट है 38,800। और इसका नाम है हॉकी? बिल्कुल सर, ठीक है। इसका जो अंतिम मूल्य है वो है 38,800 रुपये मात्र, जो इसका जो MRP था, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो था 42,800 रुपये मूल्य प्राइस, अधिकतम मूल्य प्राइस है ना, वो था 42,800 रुपये। और अब आपका जो प्राइस अभी जो आपकी कीमत है वो 38,800 विदाउट GST एंड विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके भी क्लास में क्रिएटिव टिप दे दें कि क्योंकि ऑलरेडी बहुत बीफी सोफ़ा है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुशंस वगैरह प्लेस ना करें, क्योंकि टेक्सचर्ड है ये ऑलरेडी, नहीं तो आपका घर बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देगा। सेंटर टेबल की प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि ये बनाई उसी हिसाब से जाती हैं कि आपको हर जगह से, हर सीटिंग में जो भी जहाँ बैठा हुआ है वो आराम से आपके टेबल तक पहुँच सके। इनको आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, मे बी यू कैन ड्रैग देम टू योर बेडरूम और ड्राइंग रूम, अदर रूम, और लेकिन इनको भी साथ में रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस पर रखेंगे तो ये पूरा सेटअप अच्छा दिखता है। यूज़ लाइटर शेड ऑफ कर्टन्स, लाइटर शेड ऑफ कलर्स इन द बैकग्राउंड। चलिए नेक्स्ट वन सर, बिल्कुल ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। बिल्कुल सर जी, ये वाला हमारा नेक्स्ट यूनिट है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें डिज़ाइन का सर, आर्म्स इसके अंदर जो है वो अपना कर्व में आ रहे हैं, आर्म्स के अंदर काफ़ी सॉफ्टनेस है, हेडरेस्ट हैं, जो इसका लाउंजर है उसमें काफ़ी कंफर्ट है, प्लस जो उसके लाउंजर के अंदर ये आर्म्स रेस्ट मिल रहा है, प्लस यहाँ पे ग्लास की ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे हम ग्लास कुछ भी सामान जो भी होगा वो यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ हमारे स्टैंडर्ड है 9x7 और स्वेड लगी हुई है, अप एंड डाउन हेडरेस्ट है सर। अच्छा, ये भी इसमें फीचर है, बिल्कुल अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मैकेनिज्म की कोई गारंटी वारंटी है? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है वैसे कोई कवर नहीं है वारंटी? नहीं सर, है ना, ठीक है, डन। और वी गो टू द नेक्स्ट यूनिट, लेट मी टेल यू दैट ऑल द यूनिट्स डिस्प्लेड इन द वीडियो दे आर अवेलेबल जस्ट द वे दे आर, एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल टिल दिवाली। दिवाली तक किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़े दिन बाद वो कस्टमाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो जो यूनिट्स हैं आप वो एज इट इज ले सकते हैं। क्या प्राइस रेंज में है? और ये 42,800 का है सर, 4,000 का डिस्काउंट है एंड 38,000 इज
नेट प्राइस विदाउट GST विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सोफ़ा का नाम है हैंडल ग्लास और इसका अधिकतम मूल्य जो था वो था 42,800 रुपये और अब आपको 4,000 के डिस्काउंट के बाद में मिल जाता है 38,800 रुपये का। बिल्कुल ठीक है, इसका क्रिएटिव इनपुट ये है कि जब भी आप इसको लें इसको बेहिचक ले लें क्योंकि LHS RHS दोनों शायद में वो ठीक है। RHS हुआ है ना, तो ये स्पेस आपको पूरा फ्री मिलता है। अगर इस तरफ आपकी कोई विंडो है या इस तरफ कोई डोर है आपका तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसको ऐसे रख सकते हैं। बाकी ये भी हल्का टेक्सचर है तो इसमें आप कर्टेन के साथ प्ले कर सकते हैं, जो चाहे वो कर्टेन आप इसमें इस्तेमाल करें क्योंकि ये ज़्यादा सेटल्ड है। अब जा रहे हैं हमारा शो स्टॉपर जो इकोनॉमी रेंज में है, मेरे ख्याल से आना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन है शो स्टॉपर, इसका जो ग्रेस है वो पूरा रिच है, राइट? बिकॉज इसमें फैब्रिक है वो शीन है, उसमें थोड़ी चमक है। हाँ जी, है ना, कौन सा फैब्रिक है इसका? ये सॉफ्ट वेलवेट है सर, शाइन के अंदर सॉफ्ट वेलवेट आया है। अच्छा, इसमें वाटर मार्क्स आते हैं, हाँ, फिंगर जो पाइल्स हैं इसमें कम है। बिल्कुल, लेकिन बाकी जैसे के कम है। ठीक है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं जी। बताए 9x7 सर इसका साइज है, सॉफ्ट वेलवेट फैब्रिक लगी हुई है जी और लाइट चेस्टर का काम है, मतलब हमने सिर्फ बटन लगाए हुए हैं बैक में, उससे कंफर्ट मिल रहा है। कुशन स्मॉल है तो उससे पूरी की पूरी सीट के अंदर कंफर्ट ज़्यादा है, सीटिंग ज़्यादा है इसकी। ठीक है, हमने बाकी सोफ़ास के बारे में नहीं पूछा लेकिन डेप्थ सबकी यूनानिमसली बराबर है, सबकी बराबर है। और दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, नहीं सर, सब सेम है। इसकी क्या गहराई होगी लगभग? इसके सर यहाँ से लेकर जो पूरी इनकी होती है वो 33 के आसपास, 35, 34, 30 वो मतलब एक दो इंच का फर्क पड़ता है, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, ये बात चल रही है लेकिन मैं टॉपिक चेंज करके वापस वो कार्विंग वाले पे जाऊंगा जो हमने मेरा फेवरेट बताया था नीचे और हम देख रहे थे ना, जिसमें बेज कलर था जिसमें दो क्राउन थी। उसको एंट्री करने के लिए घर में डोर का मेजरमेंट क्या साइज़ होना चाहिए आपके ख्याल से? जो आप बिग लेग्स वाला सोफा कह रहे हैं वो सर उसकी 40 इंच डेप्थ है सर, तो उसके लिए आपको 42 इंच की क्लियरेंस चाहिए स्टेयर में भी और आपके गेट में भी। ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल अपने गेट और स्टेयर्स लिफ्ट चेक करके आएँ। कई बार ऐसा होता है लिफ्ट में सामान नहीं आ रहा, घर के गेट में नहीं आ रहा, सेकंड फ्लोर पे चढ़ गया ऊपर नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ी सब कुछ। आप एक बार अपना कभी भी शॉपिंग करने निकलें फर्नीचर की, अपने गेट और सीढ़ियाँ और चढ़ना कहाँ से सब कुछ चेक करके आएँ, चाहे आप कहीं से भी फर्नीचर लें ये चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल, और आप पहले से वेंडर्स को बता दें जहाँ से भी आप फर्नीचर ले रहे हैं। कई बार हमारे दिल्ली में इतने बड़े बड़े वो नहीं हैं, छोटी गलियाँ, सीढ़ियों से रस्सों से चढ़ता है सामान जी, तो ये चीज़ें आप आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने घर में रहते हैं, बाकी सामान आपने कैसे चढ़ाया। ठीक बात है, और एक ट्रांसपोर्ट जब आप अरेंज करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डोर तक डिलीवरी की कि ऊपर प्लेसमेंट तक, अनबॉक्सिंग तक, जैसे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है सर। लेकिन ये चीज़ पहले क्लियर कर लें क्योंकि अगर मान लीजिए आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो थर्ड फ्लोर पर है, सीढ़ियाँ भी छोटी हैं, रस्सियों से खींचना है, और आपने तो ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कि आप इसको थर्ड फ्लोर पर मेरे रूम में रखो और इसके पॉलिश बैग्स उतारो, मेक इट कम्प्लीटली फिट इन माई हाउस, देन इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ हेडेक। नहीं वो देखो वो थोड़ी बहुत डैमेज बिल्कुल होगी क्योंकि वो आप दीवार से खींचते हुए रस्सों से चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो आपको एक बार देखना पड़ेगा पहले सर। नहीं मेरा मतलब कॉस्ट से था सर कि अगर अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी हमारे पास कि हमें थर्ड फ्लोर पर ले जाना है सीढ़ी से लिफ्ट से कैसे भी, तो क्या मैन पावर जो डिलीवरी बॉयज़ हैं क्या उनका खर्चा बढ़ जाता है? बिल्कुल सर बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, डन। सो वी गोइंग बैक टू दिस वन, इसको हम फिर भी हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि प्लीज़ आके आप एक बार एक्सपीरियंस करें, ये बहुत अच्छा है, ये खुद से अपने हिसाब से ख़रीदें इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, आई थिंक प्राइस में भी अच्छा होना चाहिए, इस पर आपने टैग नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल सर, क्यों ऐसा? शायद मिसप्लेस हो गया हमारे स्टाफ से। अच्छा, ये अभी कंसिडरेशन नहीं है कि हम क्या प्राइस रखें इसका? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे सर बिल्कुल पहले फाइनल होते हैं, एंट्री करने से पहले प्राइस फाइनल होते हैं। ठीक है, ओके, 42,000 ऑलरेडी बहुत सारे नीचे कस्टमर बैठे हैं, हम शायद इसलिए आप भूल गए होंगे, मिसप्लेस हो गए होंगे, हो सकता था जी। क्या प्राइस बताया? 42,000 का इसका प्राइस था सर, 4,000 का कैशबैक है एंड नेट प्राइस इज 38,800 विदाउट GST विदाउट ट्रांसपोर्टेशन फिक्स प्राइस। ओके, आज भी सर हम एक चीज बताएं आपको, 3 साल पहले 4 साल पहले जब भी हमने आपके साथ काम शुरू किया था तब भी हमने 36-38 से स्टार्ट किया था, आज भी हम 38 के अंदर दे रहे हैं सर। हाँ, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया है ना, 2.5 साल हो गया। बिल्कुल सर, 2 साल से हमारा एसोसिएशन है एंड सिंस वी हैव क्रॉस दैट 5 लाख सब्सक्राइबर्स बेस हमारा भी बढ़ गया, अभी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है, और आप भी हमारे उन्हीं कंपेनियंस में से हैं जो हमारे साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं,
तो ये बात जो आपने कही उससे मुझे याद आया, अब आप जो मेन बात कह रहे थे कि जो प्राइस आपके तब थे वही प्राइस अब हैं, है ना, लेकिन आने वाले टाइम में ये वीडियो अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो पता नहीं पड़ सकता, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हम जिस स्टेज से गुजरे हैं उस टाइम सब कुछ बढ़ चुका है। ठीक बात है, इसका प्राइस एक बार फाइनल बता दें, 38,800। ठीक है, 38,800 रुपये में आपको ये पूरा मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स इसमें मेरे ख्याल से 7+2 9 सीटर है, 3+3 एंड 2 बफे। अच्छा ठीक है, विद ग्लास टॉप इसके अंदर होगा, मतलब अभी जो फिलहाल बना हुआ है वो 3 सीटर कॉर्नर एंड 2 सीटर। अच्छा ठीक है, डन, वी गोइंग टू द नेक्स्ट वन। बिल्कुल सर, फ्रॉम ब्लू टू बेज, जी बताइए। बिल्कुल सर, ये रेड लाइन सोफा, अच्छा, इसका नाम चेस्टर फील्ड के अंदर बैक है उसकी, और आर्म्स के अंदर भी इसका डबल कलर का फैब्रिक हुआ है, आर्म्स के अंदर भी बहुत काम है इसके सर जी, आप साइड से दिखा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास 2 यूनिट और हैं, वो भी शो स्टॉपर यूनिट्स होंगी दोनों जी। पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन दे दें, ये भी एल कॉर्नर सोफा है विद हाई बैक है, ये चेस्टर फील्ड के साथ जी। बिल्कुल सर, आर्म्स का बता रहे थे आप, इसमें डबल डुअल शेड क्यों दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है सर। अच्छा, डबल में बनता है, सिंगल करते तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बाकी अपना टेस्ट है सर, आप सिंगल भी करा सकते हैं। लेकिन जॉइंट्स हम देख रहे हैं दोनों कलर्स का, काफ़ी सीमलेस जॉइंट हैं और काफ़ी स्मूथ है। फैब्रिक कौन सा है इसमें, स्वेड फैब्रिक है सर। अच्छा, ये क्या रेंज का है, अप्रोक्स सेम रेंज है हमारी सर, 250। अच्छा, ओके, और प्राइस क्या है इसका, इसका 40,800 डिस्काउंट करके सर, 44 था, 4,000 का कैशबैक एंड 40,800 नेट प्राइस विदाउट GST, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। ओरिजिनल प्राइस जो था उसमें अब आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, है ना जी। ठीक है, और ये दिवाली तक ही वैलिड रहेगा। बिल्कुल सर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, चलिए इसमें। हाँ जी, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा मैंगो येलो। बिल्कुल सर, ठीक है भाई, वही बोल्ड ना, बहुत बोल्ड कलर है ये। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा स्टूडियो कलर है ये, जिन लोगों को बोल्ड पसंद है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, बाकी चीज़ें सारी की सारी सेटल रखनी पड़ेंगी इसमें। तो आई लाइक दीज काइंड ऑफ कलर्स, इनफैक्ट मेरे अपार्टमेंट में भी इस तरह के कलर्स रहे हैं जब मैं व्हेन आई वाज इन मुंबई, एंड इसको बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत सारे ना वाइट से उसको बैलेंस किया, तो मैंने थोड़ा सा येलो यूज़ किया, मोस्टली बाकी जगहों पर हमने वाइट यूज़ किया। कौन सा कलर है सर ये, येलो टच ही है सर, येलो, और आपने मैंगो बोल दिया, मैंगो येलो इज नाइस नेम, आपने क्या नाम दिया इसका, नेम बिग हैंडल हमारे सौदे का नाम है, क्यों, क्योंकि हैंडल्स बड़े हैं इसके जी। बिल्कुल ठीक है, ओके, मुझे अच्छा लगा ये, आई लाइक दिस बिकॉज इट्स वेरी बोल्ड, है ना। बिल्कुल, बाकी से इसको आप बैलेंस कर लीजिए। अब इसका क्विकली हम स्पेसिफिकेशन दे दें, 9x7 साइज है सर जी, आर्म्स के अंदर इसके काफ़ी रेस्ट है, अच्छा फोमिंग अच्छी है जी, और नीचे जो है इसके टीक वुड का पूरा फ्रेम है, ओके, और जो पूरा बेस बना वो सारा टीक वुड का है। अच्छा, एंड सेकंड जो काम है इसका वो पाइपिंग का, पूरे सोफे के अंदर, आर्म्स के नीचे एंड कुशन के अंदर। अच्छा ठीक है, जिन लोगों को ये थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है ना, किसी किसी हाईलाइटेड सोफा है सर, मतलब कहने का मतलब है अगर घर में रखा हुआ है प्लेन वॉल है तो ये हाईलाइटेड सोफा है, एग्जैक्ट, बाकी सोफे एक नॉर्मल लगेंगे, ये बिल्कुल एक हाईलाइट होगा। बिल्कुल, बस इसको सेटल कर सकते हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कारपेट डालें, ब्लैक एंड व्हाइट वॉल्स रखें पीछे, तो ये येलो जो है थोड़ा सा पॉपअप्स रख लें इसके ऊपर, आप बाकी जगहों पे मे बी कर्टन में एक येलो कर्टन डाल लें, तो ये पूरा का पूरा एकदम बैलेंस रहेगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। इस बार हम नोटिस करें आपके जो फैब्रिक है उसमें स्वेड टेक्सचर्ड बहुत है। बिल्कुल, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं टेक्सचर्ड स्वेड है, इसके कुशन्स थोड़े से उन सोफा से बड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो थोड़ा बीफी सोफा है ये। बिल्कुल, क्या प्राइस रखा है इसका, ये सर डिस्काउंटेड सोफा है, इसके अंदर भी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अच्छा, 46,000 इसका 800 इसका प्राइस था, MRP नहीं है सर, एक्चुअल प्राइस है सर। एक्चुअल प्राइस में और MRP में क्या फर्क है, हमारा ओरिजिनल प्राइस था सर। अच्छा, तो अभी फिलहाल जो दिवाली का ऑफर चल रहा है उसके कारण कैशबैक और डिस्काउंट है, 6,000 का डिस्काउंट है। अब नेट प्राइस इसको भी हमने अपनी रेंज में ला दिया ताकि हर घर में हमारे सोफे हों, 40,800। ठीक है, ये है 46,800 रुपये का। बिल्कुल, एक ग्रे है, बिकॉज ग्रे इज़ माय फेवरेट, बहुत बढ़िया शो स्टॉपर सर मेरे हिसाब से, ये भी एक शो स्टॉपर सोफा है। बिल्कुल, यूनिक डिज़ाइन है ये, किसी के पास भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल नया बना सर जी। इसका स्पेसिफिकेशन हमें, वी गोल्ड नाम है इसका, और जो हमने अभी लास्ट सोफों में दिखाया स्टील के पत्तियों की जगह जो स्टील के स्ट्रिप्स लगती थी उसकी जगह ये फैब्रिक का काम आ गया, ये फैब्रिक है सर। अच्छा, वही सोच जो नीचे कुशन में लगा हुआ है प्लस उसी फैब्रिक की पाइपिंग। हाँ ठीक है,
ठीक है, रोज गोल्ड कलर में। बिल्कुल सर, ये रोज कलर गोल्ड के तीन वो हो गए सर, पाइपिंग स्ट्रिप्स एंड इसकी लेग्स, स्टार लेग्स। ठीक है, एंड इसकी बहुत स्लीक आर्म्स है सर, बहुत बल्की नहीं है, आर्म रेस्ट बहुत अच्छा है, और साइड में इसके डब्बी बर्फी का काम किया हुआ है। ये फैब्रिक और ये फैब्रिक अलग अलग है? सेम है सर। या उसको बना के बनाया जाता है, इसको स्टिच किया जाता है? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, क्योंकि कुछ बर्फी वाला फैब्रिक भी मार्केट में आता है। बिल्कुल नहीं, ये मैचिंग नहीं है सर, ये सेम उसी का ही है, उसी में हमने अपना उससे बनाया सर। ठीक है, अब बता दें आपको कि थोड़ा एक चीज़ जो मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट टू दिस, लेकिन मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल करते थे थ्रू आउट यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये कॉस्ट में काफ़ी बढ़ जाता था। नहीं ऐसा नहीं है सर, सेम कॉस्ट में ही मिल सकता है, मगर ये है कि उसके थोड़े से निकलने, नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारी जो कॉस्टिंग है हमारे हिसाब से वो दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, हम अगर आप वो स्ट्रिप लगाना चाहें हम वो लगा देंगे, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेंगे। अच्छा, उतने में लगा देंगे? बिल्कुल लगा देंगे। उसके बाद उसकी थिकनेस पे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, उसमें थोड़ा सा हमें ये डाउट रहता है, थोड़ा सा निकलने के चांस है या कुछ है, तो ये टेंशन फ्री काम है फैब्रिक का। अच्छा चलिए, फील हमें वही देगा और काम उसका फैब्रिक में हो जाएगा सर। ओके ठीक है, गॉट इट। और ये इजी टू मेंटेन है, मेटल का तो पीवीडी का ये भी चक्कर होता है, पॉलिश का इसका। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बताऊं सर, इसका आपने कलर नोट किया सर, ग्रे कलर। हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे ग्रे कलर ऐसे होते हैं जो लगने के बाद ना, कभी भी कोई नई चीज़ लो, ग्रे कलर लगाओ तो वो जो प्रोडक्ट है या सोफ़ा है मैले दिखते हैं, ये वो चीज़ नहीं है सर। क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल नीटनेस और वाइट इसमें वो है इसकी सर। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये कि ग्रे बहुत बहुत सोच के लगाने पड़ते हैं अगर ग्रे कलर कभी यूज़ करने हैं सर तो। जी मतलब ऐसे कोई भी ग्रे नहीं है, वो लगाने के बाद ऐसे लगेगा सोफ़ा पुराना लिया हुआ है, मगर ये वो नहीं है सर। ठीक बात है, इसमें एक थोड़ा सा शाइन है, इसमें एक फ्रेशनेस है इसके फैब्रिक में, है ना? ठीक है, नंबर ऑफ सीटर्स ये भी 9 है टोटल मिला के, इसका कॉर्नर भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, लिविंग रूम ड्राइंग रूम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बात कर रहे थे क्रिएटिव इनपुट देने की। जब भी आप इस तरह के सोफ़ाज़ को परचेज़ करते हैं जिनकी बैक थोड़ी हाई अगर है, मैं अपने यहाँ भी सर, हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हो ग्रे, तो मैं उसमें जरूर इन्वॉल्व होऊंगा, तो उसको चेक करके एक बार जरूर कहता हूँ कि ये ग्रे चेंज कीजिए या बनवाइए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसकी हाइट की, थोड़ा सा रिलेटिवली बाकी सोफ़ा से थोड़ा हाइटेड है, बड़े रूम्स के लिए तो ये और भी अच्छा है, है ना? और इसको आप बेफिक्र होकर किसी भी तरह के वॉल्स के अगेंस्ट में रख सकते हैं, इनमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, है ना? बिल्कुल। इसका प्राइस बता दें, फिर हम अगले अपने लास्ट शो स्टॉपर जो रहेगा। इसका एक्चुअल प्राइस था सर 56,800, फिलहाल अब तक का दूसरा सबसे बड़ा डिस्काउंट सर। अच्छा, 10,000 का डिस्काउंट। ठीक है, 40,800। This entire set is for 40,800 rupees. 46,000, sorry sir. 46,800. बिल्कुल सर। ठीक है ना? जी। All right. Along with two settees and center table. बिल्कुल सर। ठीक है, done. We are going to the next one now. बिल्कुल सर। अब हमारे पास दो सोफ़ाज रह गए जो हम कवर करेंगे। नहीं सर, तीन चार। तीन रह गए। ओके। ये आप ले आए हमारे वाले टेस्ट का। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ठीक है। Nice beige color settle. ये बताइए, 3-seater है? 3-2? ये 7-seater सोफ़ा है सर। 3-2-2। अच्छा। मतलब 7-seater सोफे बहुत पॉकेट फ्रेंडली रेट में बहुत कम मिलते हैं जी, मगर हमारे यहाँ वो भी मिलते हैं, तो इसलिए हम एल कॉर्नर ज़्यादा रखते हैं, तो आप 7-seater भी एक दिखा दें। ठीक है सर, इनका 3-2-2 है, 3-1-1 हो जाएगा इसका? नहीं सर, 3-2-2 मिनिमम, 3+2 5 या फिर 7। ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा उन्होंने, एवरेज कितने साइज़ के बेडरूम के, सॉरी ड्राॅइंग रूम के लिए आपको लगता है कम्फर्टेबल होंगे ये सर? इधर से 13 फुट ऐसे आपके पास वॉल होनी चाहिए, और यहाँ से 8 फुट ऐसे होना चाहिए। 13x अगर आपका 8 का हॉल है तो ये 7-seater सोफ़ा आपके यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, ये जो अभी आपने क्रिएटिव हमें इनपुट दिया ना कि कितने बाई कितने के हॉल के लिए परफेक्टली सूटेबल है, ये हर सोफ़ा में आप पूछ लीजिए एक बार गाबा जी को। बिल्कुल, कि हमारा हॉल साइज़ ये है तो हम क्या लें, है ना? जी ठीक है, तो 13x8 मिनिमम स्पेस चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा मूवमेंट के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। बिल्कुल सर। दूसरा ये है कि सेंटर टेबल के लिए भी आपको स्पेस चाहिए होता है। सोफ़ा रखने का सही तरीका है, आज इसका वीडियो इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स डिस्काउंटेड। इनको जब भी आप रखें तो आर्म्स को ऐसे ना रखें, ये तो हमने शोरूम की वजह से ऐसे रखा हुआ है, अदरवाइज़ इसका जो एंड है वो एंड और इसका ये फर्स्ट एंड है, दे शुड मैच विद ईच अदर, दे शुड बी 90 डिग्री एंगल। यहाँ से स्टार्ट होगा जो उसके पीछे वाला, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, मैं वही तो बोल रहा था आप बोल रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ सर
ठीक है, दैट्स ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग एंड सो स्वीट ऑफ यू. आप ही से सीखा हमने ये सब. ठीक है, तो आप इनको ऐसे प्लेस कर लीजिए. और सर साइड टेबल भी रख सकते हैं ना. जी बिल्कुल, साइड टेबल्स हैं हमारे पास. जी अभी नहीं है सर. अच्छा, साइड टेबल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कलर ऐसा आप कोई भी रख सकते हैं इसके साथ. साइड टेबल आपको मार्केट में मिल जाएंगी. सेंटर टेबल का क्या करेंगे? सेंटर टेबल अवेलेबल है सर, वो मिल जाएंगे, बहुत सारी रेंज है. अच्छा ठीक है. और अब इसके नीचे जब आप कारपेट ले रहे हैं तो आई विल पर्सनली प्रेफर, अगर आप ब्लू बेज का शेड कर रहे हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देगा. आप ऑफ वाइट एंड लाइट और डार्क ब्लू कलर का इसके नीचे कारपेट लगा लें. वी गो टू द नेक्स्ट वन. गाबा जी इज गेटिंग बोर्ड क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं उनको अगला सोफा. नहीं सर, पहले इसका रेट बता दें सर. अच्छा, इसका प्राइस बता दीजिए. 52,800 हमारा दो साल पहले रेट था. 6,000 का हमने कैशबैक डिस्काउंट दे रहे हैं सर. 46,800 का अभी फिलहाल इसका प्राइस है. पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल रिजनेबल रेट में 7 सीटर सोफा. ठीक है, 40,800. ऑल राइट, ठीक है. अब हम क्रिएटिव इनपुट देंगे और गावे जी के इस साउंड को ऑफ कर देंगे ताकि हम क्रिएटिव इनपुट दे पाएं. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस वन अगेन, ऑन सीरियस नोट्स, नो जोक्स, यू कैन चूज ऑन एनी फ्लोर. आपके फ्लोर के कलर्स बहुत मैटर करते हैं जब आप फर्नीचर चूज करते हैं. एब्सोल्यूट वाइट एंड ऑफ वाइट में ये बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसका रग खरीद रहे हैं तो आप इसको डार्क ब्लू शो टोन में आप इसके रग खरीद लें, वो बहुत अच्छे दिखाई देंगे. रेड और मैरून क्यों? रेड और मैरून क्यों नहीं सर, ब्लू क्यों? क्योंकि बेज ब्लू लुक्स वेरी नाइस. ओके सर. अगर आपको वो, अगर आपको इसके साथ मैरून रखना है जी, क्योंकि आपको इससे सोफा से मैच करना है. राइट, सॉरी कुशन से मैच करा रहे हैं आप शायद, है ना? जी. अगर आप इसको कुशन से मैच कराएंगे तो टू मच ऑफ मरून हो सकता है. इसके लिए आई विल पर्सनली प्रेफर ब्लू कलर टोन्स एंड देन ब्लू कलर कर्टन्स विद लुक नाइस. ओके सर, मेरे हिसाब से ब्राउन सर. आप बिल्कुल, ये तो क्रिएटिव एरियाज है, किसी को भी फ्रीडम है. आई थिंक ब्लू विल लुक गुड. मेरे को ब्लू एंड बेज का कॉम्बिनेशन अच्छा. जी बिल्कुल, ब्राउन सर. वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. चलिए बिल्कुल. ओके, दिस इज आवर सेकंड लास्ट. इसके बाद हम एक और दिखाएंगे फिर वीडियो एंड हो जाएगा सर. ओके ठीक है. ये एक हमारा, ये भी अच्छा शो स्टॉपर है हमारे इकोनॉमी रेंज में, बहुत अच्छा शो स्टॉपर है. इसके कलर्स हमने लिए ऑलिव ग्रीन एंड बेज, क्योंकि अभी हम लोग कारपेट की बात कर रहे थे तो हमारे अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे. व्यूअर्स को बोलेंगे कि आपने अपने पर्सपेक्टिव दें. मेरा मानना था कि पहले वाले में ब्लू अच्छा दिखेगा क्योंकि सोफा हाईलाइट होगा. गाबा जी का मानना था कि मैरून एंड ब्राउन अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन थे, है ना? ये शायद ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस एंड ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल का फर्क है. ओके, कमिंग बैक टू दिस वन, दिस इज वेरी नाइस. गाबा जी से ही पूछेंगे कि इसके साथ कौन सा कारपेट इनका वॉल अच्छा दिखाई देगा. जस्ट टेल मी अबाउट दिस. ये आप पहले तो इसका स्पेसिफिकेशन, फिर इसके क्रिएटिव एस्पेक्ट. बहुत ही स्लीक आर्म्स के अंदर सोफा है सर. अच्छा. बहुत ही जिनको आर्म्स नहीं चाहिए, जगह कम है और सीटिंग अच्छी चाहिए तो उनके लिए सोफा है सर. डबल कलर में बनाया हुआ है, 9x7 है. लाउंज डबल मैट्रेस इसका नाम है, क्योंकि इसके अंदर जो ये मिला हुआ है ना सर, ये कंफर्ट ज़्यादा है, फोमिंग अच्छी है इसकी. अच्छा, ये चीज़ हमने सीखी आपसे कि जब डबल पैडिंग होती है तो आपको डबल बाउंस मिलता है. बिल्कुल सर, कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है आपका. ठीक है, इसको आपने बनाया हुआ है ग्रीन एंड बेज में. हाँ जी. तो आप इसको और कलर्स में भी बना देंगे ना? बिल्कुल सर, सिंगल कलर, डबल कलर ऑप्शन, किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, कोई ऐसा. अच्छा, बट आई थिंक डबल कलर में थोड़ा सा एलिमेंट अच्छा ऐड कर रहा है ये. और अगर आपको लगता है कि बहुत बिजी लग रहा है तो आप इसको डेफिनेटली सिंगल में करा सकते हैं ना. बिल्कुल सर. ठीक है, ऑलिव ग्रीन एंड ये. और इसके लेग्स कौन से हैं? मेटल कौन सा यूज़ किया हमने इसमें? गोल्ड. ये अपना गोल्ड कलर है सर. ठीक है, अब बता दें क्रिएटिव एस्पेक्ट. इसको जब रख रहे हैं तो ये वाला साइड का एरिया आपका, उस तरफ का ये एरिया स्पेस खाली रहेगा तो अच्छा है. इधर वॉल रहेगी तो अच्छा है पीछे, क्योंकि देयर इज अ मिरर. ओके, सो वहाँ पे वॉल है, सो यू कैन वॉल के अगेंस्ट ये विंडो के साइड में आप रख सकते हैं. एज ए डिवाइडर भी यूज़ होता है. सेक्शनल सोफा हम पिछली बार बता, याद है आपको हमने एक बार बात किया था कि आप ये वाले लाउंजर्स को एज ए सेक्शन यूज़ करें. उस तरफ अगर आपका डाइनिंग है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. बिल्कुल, क्योंकि एज ए डिवाइडर का काम करता है ये. अब गावा जी से पूछते हैं कि इसके साथ कौन सी कलर की वॉल आप बताएंगे? इसके साथ सर अपना वाइट वॉल तो सबसे बेस्ट है ये. जी वो नो डाउट सबके साथ जाएगी. प्लस अगर ऐसा नहीं है आपका वॉलपेपर भी यूज़ हो सकता है जिसके अंदर लाइट फ्लावर और प्लस छोटे से फ्लावर ग्रीन कलर के या ग्रीन टच कुछ भी होगा मेरे हिसाब से. बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है. ठीक बात है, सुपर कूल, परफेक्टली फाइन. मैं वॉलपेपर भी आपको सेकंड फ्लोर पे दिखा दूंगा इसके मैचिंग का सर. अगर आप बिल्कुल है सर, हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेट्स चेक दैट आउट. बट आई लाइक दैट, अच्छा है इसलिए हमने काफी सारा टाइम स्पेंड किया. तो प्राइसेस 46,000 इसका एक्चुअल प्राइस था और डिस्काउंट 4,000 का, और नेट प्राइस 42,800. ओके ठीक है, ये हमारी रिटर्न मिस्टेक हो गई है.
अच्छा क्या लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो डिस्काउंट करने के बाद वो जो डिस्काउंट का प्राइस आएगा 42,800 आएगा सर। अच्छा दिस इज नॉट 46,800, वो टाइपिंग, वो राइटिंग मिस्टेक है, बिल्कुल आप उसको करेक्ट कर लें। 42,800 रुपीज़ में आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए वी विल गो टू द लास्ट वन ना। बिल्कुल सर। एक ये वाला भी देख लें, ग्रे वाले को देखने से पहले ये वाला भी देख लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका फेवरेट सोफा सर ये। इसमें कौन सा जूट लगा हुआ है? नहीं सर, स्वेड ही है। अच्छा। मगर आप टेक्चर कर रहे थे तो इसलिए टेक्चर नहीं आया। अच्छा। जूट जूट टाइप का फैब्रिक आ गया। ठीक है, फुल ऑन दिवाली मूड में नीचे बहुत सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट फेयर, हमें उनसे बात भी करनी है अभी। अरे हम जब भी आपके स्टोर के पास आते हैं, हम जनरली सबके साथ ही होता है सर, आपके पास तो खास तौर से हमें दो एक लोग मिल ही जाते हैं। बिल्कुल, सो नाइस टू मीट देम, दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दिलशाद गार्डन, दे विल बी वॉचिंग दिस वीडियो समटाइम्स लेटर, और उसके बाद में उनको अच्छा लगेगा ये देख के कि हमने उनके बारे में बात किया यहाँ पे। थैंक यू, सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा शोरूम सेलेक्ट किया। ठीक है सर, टॉकिंग अबाउट दिस यूनिट नाउ, और ये कितने प्राइस में रखा है हमने? ये सर 42,800 का प्राइस था, 2,000 का कैशबैक है, 40,800 का यू सोफ़ा, मतलब यू शेप नहीं है, नाम इसका यू सोफ़ा है, एल कॉर्नर 9x7। अच्छा ठीक है, नाउ टाइम टू रैप अप, बिफोर वी डू दैट देयर इज वन मोर सोफा पेंडिंग एंड वेटिंग फॉर अस, विल गो डाउन देयर। बिल्कुल सर। गावा जी? जी सर। दिस इज लास्ट एंड फाइनल? बिल्कुल सर। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को हमने पूछ लिया है कि वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कौन सा कारपेट अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, अगर मैं जीत गया ना तो फिर मैं ये वाला सोफ़ा ले जाऊंगा आपसे। आप सर जीते होगा हमेशा सर। आप जबरदस्ती मुझे जिता रहे हैं, हम शुरू से ही हार मान लेते हैं आपको। नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू विन विद यू बिकॉज यू आर सो स्वीट। तो बात कर रहे हैं हम, लास्ट हमारा शो स्टॉपर है एंड ग्रे इज माई फेवरेट एज वी ऑलवेज टॉक। ये बताइए मुझे इसके बारे में, सीरियस हो गए आप तो? नहीं सर। ओके ठीक है, बताइए। वर्साचे स्टाइल सोफ़ा। हाँ ठीक है, मतलब जैसे वर्साचे की कंपनीज बनाती हैं उससे कुछ सिमिलर है? नहीं, हमने मतलब ऐसा नहीं है, जो हमने वी का साइन दिया ना अपनी तरफ से तो उसको कोई नाम रखा हुआ है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी या कुछ नहीं है। अच्छा, तो हमारा जो एक वी का साइन है तो वो विक्ट्री। अच्छा। वर्साचे कुछ भी बोल सकते हैं, लुई विटों कोई भी ब्रांड है जैसे उनके जैसे सिमिलर है। तो आपने क्या किया है, कोई इंटरनेशनल? हमने एक वी बनाया बस। अच्छा ठीक है, ओके। ग्रे कलर का है, बहुत अच्छा है, सेटिंग भी बहुत प्यारी है इसकी। और बाकी स्पेसिफिकेशन? ये सर अभी 3+2 है और इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, 8.5-8 फुट के आसपास इसका 3 है एंड 6 फिट के आसपास, 5.5-6 के आसपास इसका 2-सीटर है सर। अच्छा, ये नॉर्मल जो हमारे 2-सीटर्स होते हैं उनसे बड़ा है थोड़ा? बिल्कुल है सर, 1 फुट के आसपास बड़ा होगा। क्यों बड़ा है, आर्म्स की वजह से? जी, इसका डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है, उसकी आर्म बहुत हैवी आर्म्स हैं सर। अच्छा, अब ये अल्ट्रा लग्जरी सोफ़ा था सर, ये भी हमने रिजनेबल प्राइस के अंदर हमारे कस्टमरों को देना है सर, तो इसके लिए हमने ये लॉन्च किया। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये एक एक ये एक्चुअली जो डिज़ाइन है ये बहुत पॉपुलर इन है पूरे वर्ल्ड में आजकल, और आप देखेंगे आपको अक्सर ये डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगी। इनकी रेंज होती है 4.5 लाख के आसपास से, इनका पूरा सेटअप आता है। बिल्कुल सर, है ना, अलग अलग शोरूम के अलग अलग रेट हैं सर जी, और उनके क्योंकि फैब्रिक्स और मटेरियल का भी फ़र्क होता है, इम्पोर्ट वैल्यूज़ एंड ड्यूटीज़ उनकी अलग होती हैं, उसका भी फ़र्क होता है। यहाँ पे हमने प्लेन टेक्सचर यूज़ किया है और नीचे बर्फी वाला। बिल्कुल सर, और ये आपने कॉन्ट्रास्ट प्ले किया, बहुत सारे लोग इसको कॉन्ट्रास्ट से प्ले नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिंपल एंड स्ट्रेट रख रहे हैं ऐसे, है ना जी? बिल्कुल, आपने कलर्स इसके चेंज कर दिए। ठीक है, ये क्या सर आपकी वजह से लेट हुआ, मैं आपको पहले बता दूँ, आपको ही बता कैसे, मतलब आप 20-25 दिन आप लेट आए हो, हमारा सुबह बन चुका था, ये आपके वीडियो का इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, अगर आपने मुझे इसका फोटो भेज दिया होता ना ओरिजिनल, तो मैंने भेजा सर, भेजा सर, आपने भेजा तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल, अब आपने प्रैक्टिकल देखा सर। अच्छा ठीक है, सो टॉक अबाउट दिस, ये अच्छा सोफ़ा है और गावा जी ने इसमें थोड़ा कलर से ट्विस्ट किया है इसको ग्रे एंड, ये सर कौन सा ब्लैक है? हाँ जी, जेड ब्लैक फैब्रिक है सर, सॉफ्ट वेलवेट के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक आपने क्रिएशन किया है कि आपने स्ट्रेट मतलब प्लेन ना करके इसको डबल ट्विस्ट में करके यू हैव एनहांस्ड द ब्यूटी। और दूसरी जो इसका कर्व है और लाइनिंग है सर, ये पूरी पीछे तक है, जो इसकी मतलब आगे नहीं है, पीछे भी इसका एक वो बनता है सर। अच्छा, जो बैक से देख रहे हो बनता है। ओके ओके ठीक है, नाइस वन, इसका विजुअल अच्छा है, इट्स लुकिंग गुड। बिल्कुल सर। ठीक है, अब मतलब इसके बारे में बताएं, इसका स्वेड, इसका कौन सा फैब्रिक है, इसमें कौन सा हमने
सॉफ्ट वेलवेट बहुत अच्छी कंपनी का, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर सॉफ्ट वेलवेट लगाया हुआ है सर। अच्छा। एंड पैच वर्क के काम आप देख ही रहे हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ी चीज है जो बहुत रिजनेबल प्राइस के अंदर हम लाए हैं सर। कितने का है ये सर? 46,000 का 3+2 है सर। अच्छा, 5-seater सोफा ओनली इन 46,800। ठीक है, लेकिन आप 3-2 ही क्यों रखे हुए इसके? हमने ऐसा क्यों? जगह पर डिपेंड करता सर, 5-seater वाले भी ले सकते हैं और 7 वाले भी ले सकते हैं सर। इसका और मिल जाएगा ना 2-seater? बिल्कुल मिलेगा सर, आप जितने मर्जी जो मर्जी कुछ भी लीजिए सर। ठीक है, टाइम टू साइन आउट नाउ, ये लास्ट सोफा था। एंड मैं 7 का प्राइस भी बता दूं कितने का, 65,800 का 7-seater एंड 46,800 का 5-seater। चलिए ठीक है, अगेन दिस कैन बी कस्टमाइज। बिल्कुल। एंड बिफोर वी साइन आउट देयर आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, हम गावे जी से बात कर लें कि ऑल दीज प्रोडक्ट जो हमने अभी आपके पास देखे, दे आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी? नहीं सर, अभी फिलहाल जो डिस्प्ले है कस्टमाइजेशन नहीं होगी दिवाली तक। अभी जो डिस्प्ले है, अगर कोई पैन इंडिया में मंगवाना चाहे, 2-3 प्रोडक्ट आज या कल वीडियो लोड होने के बाद कर सकता है, उसके बाद दिवाली तक अभी पैन इंडिया डिलीवरी के कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। बट आफ्टर दिवाली दिस कस्टमाइजेशन बिल्कुल होगा, अगर टाइम है आपके पास तो। दिवाली से पहले अगर आपके अंदर घर में फर्नीचर चाहिए, सेम एज इट इज डिस्प्ले ऑर्डर कीजिए, आपको हम दिवाली से पहले पहुंचा के देंगे। ठीक है, कुछ हाइलाइट्स हैं क्विकली हम रैप अप करने से पहले बता दें कि जितने प्राइस थे वो नॉन नेगोशिएबल हैं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस हैं, इसमें अभी कोई स्कोप नहीं है किसी भी तरह के डिस्काउंट का। सेकंड, जीएसटी सेपरेट होता है आपका, सारे के सब की बिल्स बनते हैं, एवरीथिंग कम्स विद अ वारंटी, इट डिपेंड्स हाउ डू यू वांट इट, है ना, आप उसकी किस तरह से यूज़ करें, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें अप्लाई होते हैं कि वारंटी कैसे करते हैं। जीएसटी एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा, वेयर एंड टेयर गारंटी में समटाइम्स इट इज़ नॉट कवर्ड, बिकॉज घर पे जाके कैसे यूज़ किया है फर्नीचर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और आप सबको दिवाली बहुत मुबारक, उससे पहले अगर ये वीडियो अपलोड हो गया तो दिवाली मुबारक, अगर बाद में हुआ है तो फिर डिस्काउंट का कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा ना डिस्काउंट को। ठीक है, सो वील कंटिन्यू दिस डिस्काउंट, गावा जी हैज ऑलरेडी नॉडेड, आपने नॉडिंग कर दिया। हाँ, हमारे व्यूअर्स सारा रिक्वेस्ट कर दें सर को, जरा जो डिस्काउंट का फायदा ले सके आप लोग। कुछ भी कैसे करेंगे वो मेरी कमेंट डाल के सबके मोबाइलों में सबके वीडियो में कमेंट डाल देना आप। ठीक है, यू हैव डन लिटिल बिट ऑफ टच वर्क इन द शोरूम, हम देख रहे हैं वॉलपेपर्स लगा के अच्छा हो गया है। और ये सोफा जो लास्ट हमने देखा, इससे लगता है कि वी कैन डू प्रीमियम सेगमेंट ऑल्सो इन फ्यूचर, है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी हमारी। और हमने ऊपर एक दो चीज़ें और बड़ी खास बात कही थी, उनका खास ख्याल रखें कि जब भी आप अपने घर में फर्नीचर खरीद रहे हैं तो प्लीज़ उनको सभी स्टोर्स को, गावा जी के पास या किसी के भी पास, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, कौन सा फ्लोर है, कितना आपके गेट का जो गेट कितना है, डोर कितना है, आपके हॉल का साइज़ क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फर्नीचर मिसफिट हो जाते हैं बाद में, है ना? ठीक है ना? बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आई डिड नॉट अलाउ यू टू टॉक टू मच टुडे बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग, है ना, फिर भी कहीं मुझसे गलती हो गई तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, आपकी आवाज़ और आपकी बात सुनने के लिए दुनिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बेचैन रहती है, ऑल जंक है, तो क्लैप ट्रैप का मतलब ही है कि नॉनसेंस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।